चलो दोस्तों, हम लोग आज इस चैप्टर को ख़त्म ही कर देते हैं। क्या कितना वेट करना। पिछले दिन नेल्सन मंडेला बता रहे थे कि कोई भी आदमी का दो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, एक अपना राष्ट्र के लिए और दूसरा अपने परिवार के लिए। तो मैं सबसे पहले अपना राष्ट्र का रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना चाहता था और उसी का निभाया, इसलिए मैं फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक से नहीं निभा पाया। एक बेटा होने का, एक पिता होने का, एक हस्बैंड होने का और एक भाई होने का रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक से नहीं निभा पाया। क्यों नहीं निभा पाया? क्योंकि यार सबसे पहले वो अपने देश को देखे कि सबसे पहले देश का रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ। उसके बाद यार जब उनका जन्म हुआ था ना, तो वो एकदम नॉर्मल थे, जैसे आम बच्चा रहता है वैसा ही। ऐसा नहीं कि जन्म से एकदम क्रांतिकारी, ऐसा नहीं। जब वो छोटे थे तो उन्हें लगता था कि वो पूरा आज़ाद हैं, उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा हुआ है। अपने घर के पास एक खेत था, उसमें खूब खेलते, नाचते, कूदते। उसके बगल में एक रिवर था, एक नदी था, उसमें तैरते, ऐश करते, खूब मौज करते। कभी कभी कुछ चीज़ भूंज भांज के खा भी लेते जैसे यहाँ पर बादाम सब भूंज भांज के खाते हैं ना, तो वैसा ही वो लोग बादाम सब जैसे कोई भी चीज़ भूंज भांज के खाते भी थे। एकदम फ्री फंड थे यार। अगर बच्चा को तीन चीज़ बढ़िया से मिल जाए ना, तो उसे लगता कि एकदम मैं फ्री फंड हूँ। खाना, खेलना और सोना, तीन चीज़ मिल जाए तो वो एकदम खुश रहता है। जब वो छोटे थे तो उन्हें अपना माता पिता का ही बात सिर्फ मानना पड़ता था, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने धर्म का बात, इससे ज़्यादा कुछ मानना नहीं था। बचपन में इनको इससे कोई मतलब नहीं कि बाहरी दुनिया में क्या चल रहा है, ये तो अपने में बस मस्त रहते थे। देश में अपार्थाइड लगा है, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बच्चों को क्या फ़र्क पड़ेगा यार, बाहर का रूल रेगुलेशन से कोई मतलब नहीं यार। बच्चा तो बच्चा होता है वो जो चाहे सो कर सकता है। छोटा में भगवान में चढ़ाया हुआ प्रसादी सब भी उठा के खा सकता है। अगर कोई भगवान में पैसा भी चढ़ाया हुआ रहता है ना, तो फट से उसको पकड़ के ले जाता है बच्चा बच्चा होता है। लेकिन जब वो धीरे धीरे बड़ा होते हैं ना, तब उन्हें पता चलता है कि यार मैं बचपन में बहुत गलत सोचता था। मैं सोचता था कि बचपन में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा हुआ है। अरे भाई, हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। कैसे उन्हें पता चला? यार जब आदमी बड़ा होता है ना, तो उसे और फ्रीडम का ज़रूरत होता है। बचपन में तो बस खाना, पीना, सोना, खेलना, इतना ही का ज़रूरत होता है। लेकिन बड़ा बढ़ने के बाद और भी चीज़ का ज़रूरत होता है। तो इनके अंदर आज़ादी का भूख जाग उठा कि यार ऐसा क्यों होता है। ये फ्रीडम चाहते थे। रात को बाहर निकलना मना था, तो क्यों मना था? रात को बाहर निकलने क्यों नहीं देते हैं? अपना मनपसंद कोई काम नहीं कर सकते, अपना मनपसंद का किताब तक नहीं पढ़ सकते, इतना रिस्ट्रिक्शन, अपना मनपसंद कपड़ा तक नहीं पहन सकते, आप बताओ यार। तो यही सबसे इनको फ्रीडम चाहिए था, इन्हें आज़ादी चाहिए था कि हम अपना मन का क्यों नहीं कर सकते। धीरे धीरे नेल्सन मंडेला बढ़ रहे थे, उनका एज बढ़ रहा था। बढ़ रहे थे तो उनके दाढ़ी मोछ भी ना उगेंगे यार। जब उनके दाढ़ी मोछ उगने लगे, तो वो जोन्सबर्ग नाम का एक जगह में रहने लगे। लेकिन यार इनके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन लगाया हुआ था ना, उससे ये बहुत नाखुश थे। ये अपने मनमाना करना चाहते थे, ये अपने मन से किसी से शादी करना चाहते थे, ये पैसा अपने पास रखना चाहते थे, ये अपना एक फैमिली बनाना चाहते थे, एक परिवार बनाना चाहते थे। भाई ये सिर्फ अपने लिए सोचते थे, लेकिन कुछ देर बाद इनकी नज़र समाज पर पड़ी। जिस रिस्ट्रिक्शन से ये जूझ रहे थे, जिस कठिनाई से ये जूझ रहे थे, वही कठिनाई से इनके ब्रदर सिस्टर भी जूझ रहे थे, मतलब समाज के और लोग भी जूझ रहे थे। उसके बाद ये तय करते हैं कि मैं तो आज़ाद होऊंगा ही, इसके साथ अपने देश को भी आज़ाद करूंगा, सबको खुश कर डालूंगा। अपने इसी सपने को पूरे करने के लिए अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन कर लेते हैं और अपना लड़ाई चालू करते हैं, फ्रीडम के लिए लड़ाई। इस सपने को सच करने के लिए इन्हें और चीज़ करना पड़ा। वो क्या करना पड़ा? अपने आप को चेंज करना पड़ा। ये पहले डरते थे यार, लेकिन अब ये एक सख्त आदमी बन चुके थे, एकदम बहादुर आदमी कायर से बहादुर बन गए। उसके बाद यार ये देश का एक एक कानून को पालन करते थे, लेकिन ये कानून ही ऐसा था जिसको पालन करने से अपना आज़ादी का लड़ाई नहीं लड़ा जा सकता है। इसलिए इन्हें अपने देश के कानून के विरुद्ध जाना पड़ा। यार जो कानून के विरुद्ध जाता है उसे क्या कहते हैं? क्रिमिनल। तो खुद को क्रिमिनल भी बनाना पड़ा यार। हमारे देश को भी आज़ाद करने के लिए ना, ब्रिटिशेस के कानून के विरुद्ध जाना पड़ा था। इसी तरीके से इन्हें भी अपने देश के कानून के विरुद्ध जाना पड़ा, क्योंकि जब तक विरुद्ध नहीं जाओगे तो फिर लड़ोगे कैसे। ये एक फैमिली लविंग हस्बैंड थे, लेकिन अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके एक बिना घर वाला आदमी बना लिए, घर द्वार सब छोड़ छाड़ दिए।
ये एक सांसारी आदमी थे, अपने लाइफ से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन अपने सपने को सच करने के लिए साधु बन गए, त्यागी बन गए। यार अपने सपने को सच करने के लिए इतना कुछ ही नहीं करना पड़ा, क्योंकि हालात ही ऐसा था यार। अगर वो डरते तो फिर अपना लड़ाई कैसे लड़ पाते, इसलिए उन्हें बोल्ड बनना पड़ा, बहादुर आदमी बनना पड़ा, अपने देश के नियमों के विरुद्ध जाना पड़ा, अपने परिवार को छोड़ना पड़ा और साधु बनना पड़ा। ये बोलते हैं कि ये एक साधारण आदमी थे, ऐसा नहीं कि बहुत ताकतवर थे, ऐसा नहीं कि किसी से डरते नहीं थे, ऐसा नहीं कि ये त्यागी आदमी थे, इन्हें कोई संसार से मोह माया नहीं था, नहीं नहीं, क्योंकि हालात ही ऐसे थे ना भाई कि खुद को ट्रांसफॉर्म करने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये बोलते हैं कि देश का अगर एक भी आदमी आज़ाद नहीं है ना, एक भी आदमी से भेदभाव हो रहा है, इसका मतलब मेरे पूरे देश से भेदभाव हो रहा है। ये एक आदमी को पूरे देश से कंपेयर करते थे, और अगर अपने देश से भेदभाव हो रहा है, इसका मतलब मेरे साथ भेदभाव हो रहा है, और मेरे साथ भेदभाव होगा तो मैं तो लड़ूंगा ही, अपने अधिकार के लिए मैं ज़रूर लड़ूंगा। यार ये लास्ट में बोलते हैं कि कोई भी आदमी किसी को तंग कर रहा है, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं कि वो बंधन में है, लेकिन ये भी पूरा सच है कि जो किसी के साथ हेट कर रहा है, डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, वो भी किसी के बंधन में है। जो आदमी बिना किसी कारण की दूसरों के साथ हेट करता है, उसका सोच बहुत छोटी होती है। यार वो इनडायरेक्टली व्हाइट पर्सन को बोल रहे हैं कि ब्लैक लोगों के साथ हेट मत करो। कोई किसी दूसरे के साथ हेट करता है ना, बहुत छोटे दिमाग का आदमी है, क्योंकि यार दोनों में क्या डिफरेंस है, आदमी आदमी में क्या डिफरेंस है, कलर को लेकर के वहाँ हेट करना, खामखा बुराई फैलाना। आदमी तो गुण से महान बनता है, कोई कलर से महान बनता है? कोई सफ़ेद दिखता है इसका मतलब ये थोड़े ना कि वो बहुत महान आदमी है। महान आदमी उसे कहते हैं जिसके अंदर बहुत सारे गुण होते हैं। जो दूसरे को हेट करता है ना, दूसरे को अपने अधीन में रखता है, अपना नौकर बना के रखता है, वो भी किसी दूसरे का नौकर रहता है, दूसरे का अधीन में रहता है, किसी ना किसी दोस्त के अधीन में होता है, नफरत के अधीन में होता है, तब ना किसी को नफरत करेगा। और ये दोनों के दोनों लोग इंसानियत को डुबा रहे हैं, इंसानियत के लुटेरा हैं। क्यों? क्योंकि यार जो दूसरे को हेट कर रहा है, दूसरे को डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, वो तो इंसानियत को खदेड़ रहा ही है। लेकिन जिसके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ना, वो अगर अपने डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ नहीं लड़े तो वो भी इंसानियत का लुटेरा है। चुपचाप किसी के अधीन में काम करना सही है? उसके विरोध जाओ, उसको लड़ो, अपने अधिकार के लिए लड़ना जरूरी है यार। अगर अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ोगे तो आने वाला पीढ़ी भी कहाँ से लड़ेगा, किससे मोटिवेट होगा, और इसी से इंसानियत मिट्टी में मिल जाएगी। इसलिए दोनों को दोषी ठहराया गया है। तो भाई आई होप सब चीज़ तुम्हें समझ में आ गया होगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। अगर तुम अपने सब्जेक्ट के सारे चैप्टर का वीडियोस चाहते हो तो यहाँ पर ये बगल में एक प्लेलिस्ट है, इसको दबाओ और इससे तुम अपने किताब का सारे चैप्टर का वीडियोस देख सकते हो। चलो बाय।